13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। रास्ते से हट जाओ अर्तुक, बहुत सुन चुके हम ये भाईचारे की कहानियां, अब सिर्फ इबरतनाक सजा ही इनका मुकद्दर है। आगे बढ़ो सिपाहियों। वालिदा, होश में आई, कहां जा रही हैं आप? वालिदा, आपको इनका मकल मुट्ठी भर सिपाहियों से बात करने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद जाता हूं इनसे बात करने। सिपाहियों को पहले ही होशियार कर दिया, वो हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। वापस चला गया है और कोजाबाश को बेरहमी से मार दिया उसने। ऐ मेरे रब, ऐ शिफा देने वाले, अपनी रहमत से इन्हें शिफा अता फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमने ये क्या किया अर्तुरुल? वो भी उस वक्त जब हम तुम्हें तूतकिन के कत्ल के इल्जाम से बचाने की कोशिशों में लगे हुए थे। आखिर क्यों तुमने सबके सामने कोजाबाश की गर्दन उड़ा दी? जो जरूरी था वही किया मैंने भाई। चुप हो जाओ, अल्लाह के वास्ते चुप हो जाओ तुम। तुम्हारी वजह से वालिदा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है अर्तुरुल। नहीं, आज के बाद नहीं, बहुत कर ली तुम्हारी तरफदारी हमने, तुम्हें यह सब खुद सुलझाना होगा। कोजाबाश को इस तरह भरे मजमे में मारने के लिए क्या जवाब है तुम्हारे पास? वो गद्दार था भाई, उसके होते हुए कबीले में अमन कायम होना मुश्किल था। तो अमन कायम हो गया कबीले में? हाँ, हो गया क्या? अपनी वालिदा की हालत देखो जरा, ये सारे लोग खून के प्यासे हैं और अभी तो उन्हें तूतकिन की लाश तक नहीं मिली। तूतकिन अभी जिंदा है भाई। वो जिंदा है? तो फिर कहां है?
महफूज हाथों में। या अल्लाह, ये तो मर गया था ना भाई। या अल्लाह तेरा शुक्र है, कभी नहीं सोचा था कि इस बेवकूफ के जिंदा होने की खुशी होगी मुझे। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। कैसी हालत है इसकी? हजरत चल दिन है, किसी महफूज मकाम तक पहुंचाना होगा। हजरत, ये आपको मिला कैसे? तुतकिन, 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 शुक्र है अल्लाह का कि तुम्हारी सांसें चल रही हैं। हिम्मत करो मेरे भाई। जब तक हजरत खिजर तुम्हारे हमराह हैं, तुम यूं ही सुरखरू होते रहोगे। शाफी अपने नाम के सदक़े से और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अता किए गए मौजज़े की बरकत से इस जवान को शिफा अता फरमा। हुवा शाफी। महफूज जगह पहुंचाना होगा इसे। चलो जवानों, इसे लेकर चलो यहां से। तुम्हारे सरदार अर्तुरुल की बेगुनाही इस जवान की जिंदगी से मशरूत है। हाँ भाई, जल्दी करो। चलो बिस्मिल्लाह। तो फिर हमें तुतकिन को होश आते ही फौरन वापस कबीले लेके आना चाहिए। इंशाल्लाह जल्द होश आ जाएगा। और अगर ऐसा ना हुआ तो वालिदा के ठीक होने तक इंतजार करना होगा। मेरे भाई, मामू अब इन हालात में हमारे कबीले को मजीद यहां नहीं रहने देंगे। तुम्हें पहले से ज्यादा मोहतात रहना होगा। अर्तुरुल पर रहम खाया मैंने, उस पर भरोसा किया, एतमाद किया, अपनी औलाद से बढ़कर समझा उसे।
मगर उसने तूते किन को मार दिया, जिसे अपने हाथों से जंगजू बनाया था मैंने। कुजाबाश उसे भी मार दिया उसने। जो हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है सरदार। कोई फायदा नहीं, अब इस बात का कोई फायदा नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। गोरकुद भाई, आपको हिम्मत करनी होगी वरना दोनों कबाइल दस्तों गिरेबां हो जाएंगे। हमें साबित कदम रहकर मामला फहमी से आगे बढ़ना होगा। अर्तुरुल को जब तक सजा नहीं मिलती, काय कबीला जब तक चला नहीं जाता, कोई खून खराबा नहीं होना चाहिए, मजीद इंतशार नहीं फैलना चाहिए। चिरके के फैसले के बाद एक शख्स का खून बहेगा, अर्तुरुल का। अब जाओ, दोनों कबाइल को लड़ने से रोको, कुंदोक्तू से बात करो। कल चिरके की कार्रवाई के बाद वो लोग मेरे कबीले से दूर चले जाएं। जज्बात में आके फैसले करेंगे तो पछताना पड़ेगा, खुद पर काबू रखना होगा। जब तक आप फैसला सादर नहीं कर देते, उससे पहले कुछ खत्म नहीं होने वाला। क्या कर दिया मैंने, अपनी बहन को मार दिया, उससे कुछ हो गया तो अपने गुनाहों का बोझ कैसे उठाऊंगा। परेशान मत हो सरदार, मैं खुद जाके हायमा की खिदमत करूंगी। आप बिल्कुल इत्मीनान रखें। काई वालों का गम हल्का करके आओ, मैं जंगजुओं का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करता हूँ। अगर दोनों कबाइल इस मौके पर अलग हो गए तो आप कभी सरदारे आजम नहीं बन पाएंगे। अगर इस सूरत हाल को हम अपने काबू में ना कर सके आयतुलन, तो सरदारी का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो पाएगा। खूंखार जानवरों की तरह खून के प्यासे हो गए हैं सब लोग। जाके अपने कबीले में खून की प्यास बुझाओ। बाजी, इस पूरे मामले में ना आयतुलन खातून, ना कोरकुत मामू और ना ही तूतकिन का कोई कसूर है। ये सिर्फ एक हादसा था। जब आपको ही यकीन नहीं आ रहा तो कबीले वालों को यकीन कैसे आएगा? क्या खून की नदियां बहते देखना चाहती है आप कबीले वालों के दरमियान? बाजी, बेहतर होगा इस बात को मजीद हवा मत दे। तुमने बहुत जल्दी तरफदारी शुरू कर दी उनकी। जिन्होंने तुम्हें पाला वो मौत की दहलीज पर खड़ी है, और तुम मेरे सामने उस बदनीयत औरत और उस सरदार को बेकसूर साबित कर रही हो। नफरत में आप अंधी हो गई हैं। कुछ मालूम भी है कि क्या कह रही हैं आप? कोकचे, अगर तुमने अर्तुरुल की मालूमात तू तक इन तक ना पहुँचाई होती तो आज ये सब कुछ नहीं होता। खामोश रहो तुम। गोपचे, ये सच है क्या? तुम कान लगा के राज की बातें जानती रही और अपने उस चार दिन के मंगेतर को जा जाकर बताती रही? हाँ, मैं सिर्फ इंसाफ करवाना चाहती थी।
अर्थुरुल पर लगे इल्जाम झूठे साबित हो सके इसलिए, और वो अपनी बेगुनाही साबित कर सके। मैं बस दोनों कबाइल के दरमियान इत्तेहाद चाहती थी बाजी। लेकिन अब कबाइल एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। हर चीज तबाह कर दी तुमने। मैंने तबाह कर दिया अर्थुरुल? कबीले की बर्बादी में आपकी बीवी भी कुछ कम नहीं है। कितने ही सिपाही शहीद हुए उसकी वजह से। उसकी फैलाई हुई तबाहियों पर तो कुछ नहीं कहा आपने। कैसे आंखें बंद कर ली? तुम भी बिल्कुल अहमक हो अपने मंगेतर तूतकिन की तरह। सही जोड़ी बनी है तुम दोनों के अल्लाह की तरफ से। तुम्हें इन मक्कारों में इंसाफ नजर आता है? ऐसे साजिशी घर में अर्थुरुल भाई को इंसाफ कहाँ से मिलेगा? हाँ, वालिदा कैसी है बार्तुक भाई? दुआ में जिंदगी की उम्मीद है, लेकिन हर तरह की खबर के लिए तैयार रहना होगा। अपनी औकात में रहना गुप्त थे, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी प्यारी बहन हो। अंदर खबर भिजवाओ, हाइमा खानम की इयादत करनी है। आयतोलन खातून आई है, हाइमा खानम को देखना चाहती हैं। भेज दो उन्हें अंदर। जो चाहती थी वो मिल गया ना तुम्हें? जो कुछ बाहर हो रहा है उसके दरमियान मजीद महाजराई से गुरेज करना चाहिए। सलजान खातून, मैं हाइमा खानम को देखने आई थी, हटो मेरे रास्ते से। मेरी इजाजत के बगैर आप अंदर कदम भी नहीं रख सकती। तुम्हारा मसला क्या है? हाँ, तुम समझती क्या हो खुद को? मैं सुलेमान शाह की बेटी। तुम कौन हो आयतोलन? तुम्हारे बाप का क्या नाम है? ज़बान संभाल कर बात करो सलजान, बाद में कहीं तुम्हें पछताना ना पड़े अपने कहे अल्फाज पर। तुम्हारा हर मंसूबा मिट्टी में मिल चुका है ना? तुम्हारी तवक्को के बरक्स इतना कुछ हो गया, इसी पे हैरान हूँ। और अब तुम सोच रही हो कि किस तरह दोबारा इन लोगों पर फितने मुसल्लत करूं। लेकिन तुम्हारे इन फितनों से हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्या कह रही हो, कुछ अंदाजा है? तुम्हारी शैतानी मकारियों को मैं मान गई हूँ। बहुत बड़ी बात है आयतोलन, अर्थुरुल को फंसाने के लिए इसने तुम्हारी मदद की। ये आप क्या कह रही हैं? तुम बीच में मत आना आयतोलन, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा जानती हूँ मैं। उस बूढ़ी औरत को तुमने ही कत्ल करवाया था, और तुम ही मेरे मामू की पहली बीवी दुरु की मौत की असल वजह हो आयतोलन। बहुत हो गया। अभी कहाँ,
अभी तो और बहुत है, लेकिन मुनासिब वक्त पर हम में से कोई भी एक, या तुम या मैं, कबीले से निकाल दिए जाएंगे जोड़ा खत्म होने से पहले। फिर तो तुम्हें बहुत ख्याल रखना होगा, कहीं तुम्हारी रूह परवाज ही ना कर जाए उससे पहले। आप कबीले वापस क्यों आए? खुद को खतरे में क्यों डाला आपने? अगर मेरे लिए मेरी जिंदगी मेरे मकसद से ज्यादा कीमती होती तो यह सब कुछ कभी ना होता आर्तुक भाई। या हम जंगली भेड़ियों की खुराक होते या जालिम के हाथों की कठपुतलियां। हम जानते हैं कि आप बेकसूर हैं अर्तुरुल भाई, लेकिन इस बात का यकीन लोगों को कैसे दिलाएंगे? जो शख्स आपकी गवाही दे सकता था वो शख्स तो अब नहीं रहा। मेरा मकसद दोनों कबाइल को आपस में लड़ने से बचाना है आर्तुक भाई, और जहां तक तू तक इनकी बात है, मेरे जंगजू उसके साथ हैं। वो गेकली के गार में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। इब्दुल अरबी और गेकली उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त तू तक इनको आपकी जरूरत है। सच तो यह है कि आप सही वक्त पर आए। तू तक इनको हमें जल्द से जल्द वापस लाना होगा, ताकि दो दुर्गा वालों को यकीन हो जाए कि तुम बेगुनाह और मासूम हो। तू तक इन उस वक्त तक कबीले वापस नहीं आ सकता जब तक उसके जख्म भर न जाए और वो ये बताने के काबिल ना हो जाए कि कोचाबाश ही गद्दार था इस कबीले में। इसलिए आर्तुक भाई, अगर वालिदा की तबीयत संभली हुई है तो आप फौरन तू तक इनकी मदद को पहुंचे। जो मेरी दस्तरस में था वो मैं कर चुका हूं, और अब जो भी होगा मंजूर खुदा होगा। एगिश यही मौजूद रहेगी, लेकिन जिरगे की कार्रवाई को भी तूल देना हमारे लिए जरूरी है, ताकि मैं वक्त का बेहतर फायदा उठा सकूं। अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करे। हम तकदीर के लिखे हुए पर राजी रहेंगे आर्तुक भाई, ना थोड़ा ज्यादा ना कुछ कम, लेकिन कबाइल में मौजूद इस बदगुमानी को खत्म करना जरूरी है। इजाजत दीजिए मुझे। हलीमा सुल्तान और अर्तुरुल का उस्ताद दिली दमीर कोनिया की तरफ रवाना हुए हैं। कैसे मालूम हुआ तुम्हें? मेरे पीछे क्या क्या कर रहे हो तांगुत? कबीले की निगरानी करने वाले सिपाही ने बताया है। उसने उन दोनों को कबीले से निकलते हुए देखा। कौन यही जा रहे हैं ये कैसे पता चला? आर्तुकुश के दस्तावेज से, जिसकी अब तलाश में थे। सुनकर तकिन ने जो भेजी थी। बिल्कुल, मेरा अंदाजा है वो अर्तुरुल के पास है, जिन्हें वो बहुत जल्द अपनी बीवी के हाथ कोनिया भिजवाएगा।
सुल्तान अलाउद्दीन के पास। तुम्हें फौरन जाना होगा उनके ताकुब में, सुनकर तक इनकी दस्तावेज। अगर मेरा अंदाजा दुरुस्त है, उनमें मंगोल लश्कर की पूरी मालूमात होंगी। वो सुल्तान तक नहीं पहुंचनी चाहिए, पहले वो दस्तावेज हासिल करना, फिर मार देना दोनों को। रुक जाओ, बता दो लोबिल जी को, आज रात लश्कर के कुछ सिपाही मेरे साथ रवाना होंगे अपनी जान की बाजी लगाने के लिए। अर्तुरुल से किया वादा पूरा होगा, अब उसकी मौत से पहले सब छीन लूंगा मैं, हर चीज जो उसे अजीज है, उसके घर वाले, उसका कबीला, उसके लोग, सब छीन लूंगा मैं उससे। सुन लिया ना तुमने, तैयारी मुकम्मल करो, सिपाहियों को तैयार करो। आर्तुक साहब, सुना है कि आप कहीं जा रहे हैं, इन हालात में आपका जाना जरूरी है क्या? मैं ही दोनों कबाइल के सरदारों के इलाज पर मामूर हूं ऐतुलन खातून, जिम्मेदारी बढ़ गई है मेरी। मेरे फराइज में शामिल है कि वक्त से पहले तमाम जड़ी बूटियों का इंतजाम कर लिया जाए। जो दवा खैमे में देखी थी, क्या सरदार अब भी वो इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल नहीं, अब नहीं करते इस्तेमाल। हमने अपना इरादा बदल दिया है ताकि सरदार की सेहत पे कोई असर ना पड़े। ये अच्छी बात है आयतुलन खातून, अच्छा किया आपने। एक कीमत होती है कबीले में रहने की, और जब वो वक्त सर पर आ पड़े तो हर सूरत चुकानी पड़ती है। हम वही कीमत चुका रहे हैं आर्तुक साहब, हालांकि हम खुद शिकमशेर नहीं, उसके बावजूद हम अपना पेट काटकर कबाइल के इत्तेहाद को यकीनी बनाने के लिए कितने ही मसाइल बर्दाश्त कर रहे हैं कुरकुत साहब। शुक्र है अल्लाह का, बहुत अच्छी बात है। हम खुश नसीब हैं कि आप जैसी बादशाह खातून और सरदार का साथ नसीब हुआ। बहुत शुक्रिया। ठीक है, अल्लाह आपकी मदद फरमाए।
आने तैयार है हजरत। बेर बुजक तुर्कमान के गेकली, तुम्हारी पनाहगाह ने बहुत सो की तकदीर बदली है। तुम भी बहुत बहादुर हो बेर बुजक तुर्कमान की तरह। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाबी अता फरमाए और तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे। आमीन आमीन आमीन। आप पर भी रहमत बरसे हजरत साहब। जज़ाक अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सरदारी सरदारी तुम्हारे हवाले है। खंजर को मुझे लगना चाहिए था, उसे मेरे जिस्म के पार होना चाहिए था। ऐसा मत कहो अर्तुरल, इस बात का यकीन रखो कि इन हालात का हम में से कोई भी जिम्मेदार नहीं है। जैसा वालिदा ने कहा है भाई, अब आप संभाले मनसब। हम मजीद वक्त जाया नहीं कर सकते। जिरगा बुलवाए, संभालें सरदारी, मैं मरते दम तक आपके साथ हूं। बिल्कुल ठीक कहा, मुझे तुम पर पूरा यकीन है मेरे भाई। वालिदा को भी मेरी सोच का इल्म था। सही कहा, वालिदा भी ठीक कहती है। अब वक्त आ गया है कि मुझे सरदारी का मनसब संभाल लेना चाहिए। लेकिन लेकिन मुझे तुमसे डर लगा रहता है। मैं आपको बता चुका हूं कि मैं आपके साथ हूं भाई, फिर डर किस बात का है? जानता हूं और पूरा यकीन भी है मुझे इस बात का। यह भी जानता हूं कि तुम सरदार नहीं बनना चाहते, लेकिन जब तुम्हारी नजर में मेरा कोई फैसला गलत होगा तो फिर क्या करोगे तुम? हलीमा सुल्तान और उनके वालिद जब हमारे कबीले आए थे तो वो दिन आज भी याद है मुझे। उन्हें कारा तोयगर के हवाले करने के फैसले पर बाबा के भी खिलाफ चले गए थे, तुम याद है मुझे।
सलीबियों वाले मसले पर भी सिर्फ बाबा ही की नहीं, बाबा के साथ साथ वालिदा की, मेरी, चिरके की, बल्कि पूरे कबीले की नहीं सुनी तुमने। तुम एक इंतहाई बेमुरव्वत और जज्बाती इंसान हो अर्तुरुल, लेकिन तुम्हारा ज्यादातर जज्बाती होना हक बजाने पर होता है। अल्लाह गवाह है, हम न जाने कितनी बार हालात के सामने नाकाम हो गए थे, लेकिन तुमने उस नाकामी को हर बार फतह में बदल डाला। अब भी ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। कहना यह है कि अगर कुछ ऐसा मुस्तकबिल में हुआ तो उस कश्मकश में आखिर मैं क्या करूंगा? मैं मरहूम सुलेमान शाह तो हूं नहीं जो तुम्हें तंबी कर सकूं, और ना तुम छोटे बच्चे हो कि छोटे बच्चे की तरह तुम्हें चुप करवा दूं। तो बताओ मुझे मेरे भाई, अगर तुम्हारी नजर में मैंने कोई गलत फैसला कर दिया तब भी क्या तुम मेरे साथ खड़े होगे? आपके लिए जान भी कुर्बान है भाई, तुम्हारा भाई भी कुर्बान हो जाएगा तुम पर। हाइमा के खेमे से अभी तक कोई खबर नहीं आई। मजमा खेमे के बाहर बेचैन है। अब हम क्या करेंगे? अभी वो जिंदा है इसीलिए कोई खबर नहीं आई। उसकी मौत से पहले हमें कोई कदम उठाना होगा। लेकिन कैसे? पहले हमें उस कातिल अर्तुरुल को पकड़ना होगा। हाइमा खातून को अगर कुछ हो गया तो सरदार कोरकुद्दी कातिल कहलाएंगे। उस मामले को हम बाद में देख लेंगे। अगर अर्तुरुल से जान छुट गई तो सादतीन कोपे के इताब से बच जाएंगे हम। आपको इस काम के लिए गुंदोगदू को कायल करना होगा। सौदेबाजी मुझे बहुत पसंद आए दुल्हन। बस तुम लोगों को साथ देना होगा। अगर ये मर गया तो कोई और रास्ता जरूर सोचना चाहिए। ऐसा हुआ तो भाई की मुश्किलात और बढ़ जाएंगी। और तू भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है इनकी? आप ही का इंतजार है। या अल्लाह, काफी बह चुका है इनका। जिंदा बचना किसी मौत से कम नहीं। हौसला रखें, कबीले की बका के लिए आपको हिम्मत करना होगी।
शख्स अपने काम में माहिर होता है। जी बिल्कुल हजरत साहब। पूरा कबीला अब्तरी का शिकार हो चुका है। अर्तुरुल भाई ने कोजाबाश का सर कलम कर दिया। अल्लाह अकबर, आखिर गद्दार अपने अंजाम को पहुंचा। लेकिन कोरकुत साहब ने हाइमा खातून को जख्मी कर दिया। ये क्या कह रहे हैं आर्तुक भाई? आर्तुक भाई, हाइमा खानम की तबीयत कैसी है? दुआओं की जरूरत है। और अगर हम तूतकिन को नहीं बचा सके तो सरदार अर्तुरुल भाई का सर भी कलम कर देंगे। उसके बाद दोनों कबाइल तितर बितर हो जाएंगे, ना दो दुर्गा और ना काई कबीला बच पाएगा। इंसान को मौत से बचाने वाली जात सिर्फ मेरे परवरदिगार की है। मुझे तूतकिन के साथ अकेला छोड़ दें। हजरत साहब, आपकी मौजूदगी मेरे लिए बाई से सआदत होगी। जैसा आप कहें। अगर तूतकिन को कुछ हो गया तो अर्तुरुल भाई बेकसूर मारे जाएंगे। बंसी बिल्कुल ठीक कह रहा है। भाई की तकदीर का फैसला इस बेवकूफ की जिंदगी से मशरूत होगा, मैंने सोचा भी नहीं था। मैं अपने भाई को किसी और की तकदीर पर नहीं छोड़ता। हम भी नहीं छोड़ेंगे। बैठ जाओ बंसी। बैठ बैठ कर थक चुका हूं मैं यहां। अगर भाई की मौत का हुक्म दे दिया तो जो वो यकीनन देंगे, अर्तुरुल भाई को आजाद करवा कर हम पहाड़ों की तरफ निकल जाएंगे। एक तरफ हमें मंगोलों का सामना होगा तो दूसरी तरफ सलजूक रियासत का सामना होगा, जिसकी पूरी जिंदगी हम हिफाजत करते आए हैं। सादुद्दीन कोपेक, अर्तुरुल भाई के मुकदमे के लिए उसने अपने वजीर काराबे को खास तौर पर यहां भेजा है। किसी सांप से भी ज्यादा जहरीला है वो आदमी, जिसका मतलब है कि इस मुकदमे का फैसला हो चुका है। जल्दी किस बात की है? हम सब अर्तुरुल की मौत के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन कल ही क्यों? कल तक बहुत देर हो जाएगी। किस लिए? कहीं तुम ये तो नहीं समझते तुम्हारा सर सलामत रहेगा कल जिरके के बाद? तुम्हारी मौत का वक्त करीब आ गया है। करीब ऐसा वक्त भी आने वाला है जब ख्वाहिशात की तकमील के लिए तुम्हें शैतान से भी सौदा करना पड़ेगा। शैतान कौन?